तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, मेरे जट आप देख रहे हैं सौरभ और स्वागत है पर चैनल पे। तो आज जो हमारे पास है कैनन R8, ठीक है, तो इसकी हम करने वाले हैं बैटरी टेस्ट। फुली चार्ज है, देखते हैं आखिर कितनी शॉट ले सकता है असलियत में। बाकी तो मैंने बहुत देखा ऑनलाइन, कितना लोग बताते हैं, कोई बोलता है कम चलता है, कोई बोलता ज़्यादा चलता है। देखो भाई, अब तक खुद से ट्राई नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। अभी हमारे पास है तो हम ट्राई करते हैं और देखते हैं आखिर ये कितना फ़ोटोज़ लेता है। आज खाली फ़ोटोज़ का देखेंगे कितना काउंट करता है। तो जिसके लिए मैं लेने वाला हूँ इस कैमरे से टाइम लैप्स, जी हाँ, इससे हम टाइम लैप्स लेंगे और हर 5-7 सेकंड का एक गैप रखेंगे। वही 4K में हर पिक्चर 7 सेकंड में एक फ़ोटो क्लिक करेगा, जो कि काफ़ी बैटरी कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा बैटरी इसकी जाती है उसमें टाइम लैप्स में। तो उससे इसका मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा अंदाज़ा पता चल जाएगा। बाकी आपको आगे दिखाता हूँ मैं, फ़िलहाल तो मैं सनराइज़ का टाइम लैप्स लेने आया था, बट फिलहाल सूरज देवता को निकलने की कोई आज उम्मीद कम दिख रही है मेरे को। आज वो लगता आराम पे है, तो इस वजह से शायद वो नहीं निकलने की सोच रहे हैं। बट कोई ना, टाइम लैप्स तो लेने का है, एटलीस्ट देखते हैं कुछ ना कुछ तो हो गई, क्योंकि बादल तो बड़े मस्त निकल रहे हैं भाई। तो चलो फिर एक काम करते हैं, करेंगे टाइम लैप्स और देखते हैं। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे बैटरी फुल चार्ज है कि नहीं, आपको सब कुछ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखो भाई, ये ग्राउंड लेवल पर टेस्टिंग है, ठीक है, ऐसा कुछ एकदम फुली जो है सो है। अपन को ना तो बेचने का ना तो खरीदने का, तो उनको टेंशन नहीं है, तो ठीक है, नो स्पॉन्सर नो कुछ। कैमरे की बैटरी कितनी आ कर रहे हो आप, देख सकते हो पर कैमरा ऑन, बैटरी एकदम फुल दिख रही है, ठीक है। सामने ही हमारा गेटवे ऑफ इंडिया है, तो मैं सोच रहा हूँ इसका ही लेते हैं टाइम लैप्स। बट यहाँ पे स्टैंड नहीं है मेरे पास, ऐसे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, पर कुछ नहीं, हम जुगाड़ करते हैं, देखते हैं, ठीक है। मैं इसमें अभी करीबन 400 फोटो का टाइम लैप्स शूट करता हूँ, 7 सेकंड का, इसमें कम से कम 30 मिनट्स ऊपर तो जाएगा जाएगा। बाकी देखते हैं कितना चलता है कि नहीं। सेट कर लिया, मैं आपको दिखाता हूँ शूटिंग टाइम लैप्स की। ये टाइम लैप्स मैंने ऑन किया और ये यहाँ पे मैंने 400 नंबर शॉट, देखते हैं कि 400 फोटो ले सकता है कि नहीं। ये हाई क्वालिटी मिलेगा और ये आपका जो सेकंड रहेगा, एक 2 सेकंड है, मैं इसको कर देता हूँ 7 सेकंड, ये देखिए, तो इसको 7 सेकंड कर दिया खाली। अभी यानी कि अभी हर 7 सेकंड में एक फ़ोटो लेगा, जो कि नॉर्मल बंदा वैसे लेता है, कोई फटाफट तो लेता नहीं, उससे ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। बाकी अभी हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी ये होता है आपका स्टार्ट। चलो भाई, अभी आप देख पा रहे रिकॉर्डिंग चालू हो गई है, ठीक है। ये हर एक 7 सेकंड में फोटो ले रहा है, देख पा रहे हो, तो इधर फोटो लिख के आ रहा है 393। जैसे एक दो बचेगा तो मैं आपको दोबारा से कैमरा दिखाऊंगा, सबको यकीन होगा 393 मतलब इतना फ़ोटो अभी और बाकी रह गया है। उसने 8 फोटो ले लिए, 391 आ गया। जैसे काउंट करता रहेगा हर 7 सेकंड में फोटो लेगा, ठीक है। तो अभी हम वेट करते हैं, देखते हैं कैसा 400 फोटो ये आराम से ले सकता है कि नहीं। जब तक हमारा कैमरा ले रहा है फोटो, हम आपको नज़ारा दिखाते हैं इंडिया का। तो डायरेक्ट जैसे ही उतर, मैं आपको फटाक शुरू करता हूँ, जैसे 2-3 फोटो रह जाएगा
आपको समझा, ठीक है। मैं फिर बताऊँ कैसे कितना फ़ोटो ले लिया है। तो कैमरे ने 400 फोटो ले चुकी है, एकदम 100%। वही 400 फोटो ख़त्म हो गई है। मैं आपको वीडियो बना है इधर का, वो दिखाता हूँ। 400 फोटो का ये है टाइम लैप्स, जो कि कैमरे ने बराबर किया। और बैटरी फिर भी है, अभी बैटरी अभी भी फुल है। 400 फोटो ले लिया। तो बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन ये रहा कि आप 400 फोटो आराम से खींच सकते हो वन बैटरी पे। और बैटरी फुल चार्ज ही दिख रही है मेरे को तो ऐसा। वो भी तो और भी खींच सकते हैं, हाँ हो सकता है थोड़ा मोड़ा फ़र्क हो, क्योंकि मैंने टाइम लैप्स ले लिया है। तो मेरे हिसाब से कैमरा बराबर फोटो तो लेता रहा, 400 फोटो तो आराम से ले ली उसने। बाकी चीज़ें एकदम पूरा फोटो फोटो का ही करेंगे, देखते हैं और कितना हो सकता है। खाली फोटो फोटो का बैटरी टेस्ट, और अगली बार मैं इससे पहले करूँगा वीडियो टेस्ट। आखिर 4K में 60 FPS उसको कितना भी लेता है, कितना टाइमिंग तक ऑन रहता है कैमरा, और 1080p पे कितना देर तक चल सकता है, ठीक है, पूरी लेके देखेंगे। बाकी चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।